जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, जी वाई ए एन एस आई आर। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाय करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे और यह वीडियो आपकी आगामी एग्जाम यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विंडोज को शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू में किस विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावर बटन पर प्रेस करना होगा। जब हम सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो विंडो का जो लोगो बना होता है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो है उसमें आएगा पावर का ऑप्शन, पावर पर क्लिक करेंगे तो उस पर स्लीप मोड आएगा, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, ये तीन विकल्प हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको बंद करना है तो आप सीधा शट डाउन कर देंगे, इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण हो तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः किन चिन्हों की एक श्रृंखला में बदल देता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हैशटैग में बदल देता है। आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल की फाइल में, तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। वेबसाइट के संबंध में .com किसे संदर्भित करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, कम्युनिटी, कॉमन, कम्युनिकेशन या कॉमर्शियल। तो इसमें जो है वेबसाइट के संबंध में .com कॉमर्शियल को संदर्भित करता है। जिन साइटों के लास्ट में जो है .org लगा होता है, .org वो अक्सर जो है गैर लाभकारी संगठनों की साइटों में होता है, जैसे विकिपीडिया। जब आप विकिपीडिया सर्च करते हैं तो उसकी जो वेबसाइट का जो एड्रेस है उसमें लास्ट में जो है .org है। .gov जो है वह सरकारी एजेंसियों के वेबसाइटों में .gov लगा रहता है। .edu यह जो है शिक्षण संस्थानों में लगा रहता है। तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि यह साइट जो है शिक्षण संस्थान की है, सरकारी है या फिर गैर लाभकारी संगठन की है। तो इसमें जो कॉमर्शियल है .com, इसका ऑप्शन डी सही है। मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट का होता है, कितने बिट्स का होता है मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यह जो है 32 बिट का होता है, इसका ऑप्शन है ए जो है वह सही है। किस मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इनकॉग्निटो वाले मोड में। जब आप सर्च करते हैं, वेबसाइट ब्राउज करते हैं, जब आपने कोई गूगल क्रोम खोल रखा है तो जब एक कोने में थ्री डॉट दिखते हैं आपको, थ्री डॉट यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पहला जो दिखाएगा न्यू टैब, दूसरा दिखाएगा न्यू विंडो और तीसरे जो आता है न्यू इनकॉग्निटो विंडोज का ऑप्शन आता है। जब इससे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक नया इंटरफेस खुल जाता है क्रोम का। यहाँ पर आप जो कुछ भी सर्च करेंगे तो इसकी जो है हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इनकॉग्निटो का जो शॉर्टकट होता है इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे जो है तो इनकॉग्निटो विंडो जो है ओपन हो जाएगी। जब आपके पास अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की कौन सी है। जैसे आपने अपने डेस्कटॉप पर कई फाइलें खोल रखी हैं और आप डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं
तुरंत के तुरंत। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो आपकी जितने फाइलें हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगी और आप तुरंत डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है एच डी एम आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। इसको कहा जाता है जब आप कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड को वेरीफाई कराते हैं तो उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सर्विस कौन सी है, चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए हॉटमेल रेडिफ जीमेल याहू। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित जो मेल सर्विस है वह है हॉटमेल, जिसे आप आउटलुक के नाम से जानते हैं, पहले यह हॉटमेल हुआ करता था और माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में इसे रिब्रांड करके आउटलुक कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। 1980 के दशक की शुरुआत में बी स्ट्रप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की गई थी, तो इनके द्वारा जो है C++ लैंग्वेज विकसित की गई थी बी स्ट्रप के द्वारा। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। एमएस वर्ड में किसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मेट पेंटर, प्रिंटर, कॉपी या फिल कलर। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। एमएस वर्ड में जब आप होम वाले टैब पर आएंगे, होम वाले टैब में, तो उसमें आपको दिखाई देगा और इसके आइकन में जो है ब्रश की तरह बना होता है। फॉर्मेट प्रिंटर का जो आइकन होता है वह ब्रश की तरह बना होता है। और या फिर कोई आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं इसको डबल क्लिक करके, तो आप जब डबल क्लिक करेंगे तो उसमें जो ए वाला ऑप्शन होता है इंक्रीज फॉन्ट का और डिक्रीज फॉन्ट का, उसी के बगल में इसका आइकन होता है ब्रश की तरह, और यही जो है फॉर्मेट प्रिंटर होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप यूपी SSSC जूनियर स्टैंड 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब कुछ जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को विकसित किया, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, सोलारिस, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप या मोजिला। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, मोजिला फाउंडेशन द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को विकसित किया गया था और इसे जो है 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। सिम्बियन क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ऑप्शन भी सही है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप Ctrl+B प्रेस करेंगे, Ctrl+B तो टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, और Ctrl+I प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वह सही है, Ctrl+B। फोर जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है, GPRS, LTE, VPN, VWAP, WAP। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में जो है LTE मानक वायरलेस मानक
का उपयोग किया जाता है। और LTE का जो फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो में इस बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।